हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरिता सेवर चैनल। आज छोटी सी चटनी वाली रेसिपी मैं दिखाना चाहूँगी आप सबको। तो ये मेरे पास है, मराठी में इसको बोलते हैं फुटाना और हिंदी में इसको दालिया बोलते हैं, शायद नहीं पता है। और ये है जीरा, पांच जीरा है और लहसुन है 5 से 6 और मिर्ची पाउडर है और हल्दी पाउडर है और लाल मिर्ची पाउडर है सादा वाला। ये है नमक, हम लोग जीरा और जीरा लहसुन और 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, क्योंकि लहसुन तीखा होता है, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और हम लोग डाल रहे हैं थोड़ा सा नमक। हम लोग इसको पीस लेंगे हम लोग। इसमें मैंने ये दालिया नहीं डाला है तो मैं इसको ही पीस रही हूँ उसे। आप देख सकते हैं मैंने मिर्ची जीरा और हल्दी नमक वाला लहसुन वाला पीस के लिया है। अभी इसमें हम लोग डाल रहे हैं 1 कप दालिया, कच्चा ही है, भुना वगैरह कुछ नहीं है। ये लाइट वेट चटनी है और ड्राई चटनी हमारे घर में रहता ही है, रेगुलर का ही आइटम है। इसको सब्जी के साथ, रोटी सब्जी दही के साथ स्पेशली खाया जाता है। ये मिक्सी में अच्छे से मिक्स नहीं होता है कभी भी, ये चिपक जाता है। तो इसको हम लोग अच्छे से निकाल लेंगे उसमें से और इसको ऐसे मिक्स करना पड़ता है। कोई भी रोटी के साथ, दही के साथ आप इस चटनी को डाल देंगे तो हेल्दी भी रहता ही है, क्योंकि इसमें लहसुन है, जीरा है और फटाफट बनने वाला आइटम है ये। अगर आपके पास भाजी वगैरह नहीं है, बच्चे खाने के शौकीन नहीं होते कोई कोई, तो ये आप उनको चीज़ के साथ रोटी में डाल के भी दे सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है ये चटनी, ऐसे बनता है ये। आप महीना 2 महीने तक भी इसको रख सकते हैं डब्बे में डाल के। देखिए कितना सूखा सूखा ये चटनी है, बहुत टेस्टी लगता है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, आप लोग भी ट्राई कीजिए। आज हम लोग इसे खाने वाले हैं दही चावल, मैं दिखाती हूँ आपको। आप देख सकते हैं हमारे ड्राई चटनी बन के रेडी हो गया है। तो ये देखिए हमारा डिश है रेडी हो चुका है। छोटी सी डिश है, सादे चावल के साथ दही है, चटनी है, इसमें मिक्स करके गरम गरम है, चावल अभी बनाया है। तो सादे चावल के साथ भी आप इसको खा सकते हैं या तो फिर रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू।